हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, कक्षा 11वीं CBSE NCERT के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो CBSE के बच्चे हो, चाहे NIST के बच्चे हो, चाहे UP बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन की जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, NIST सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIST बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण NIST सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हियर राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर। गिव अस सम फैक्ट टू शो द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन इराक। यू नो दैट देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, गिव अस सम फैक्ट्स टू बी शो द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज दैट इज एक्साइटेड इन इराक। यू नो दैट geographical diversities exist in Iraq. Some of these agreement their support is overflowing point here. The first of all point here, northeast region is a lush a green region. It is also covered with the mountain range with the clear stream. It is also covered with the mountain range with the clear streams. And there is a plentiful rainfall in the region, which is sufficient to be growing crop. There is a plentiful rainfall in the region, which is a sufficient for the growing crops here. The next year, in the northern region, there is a vast tract of land. In the northern region, there is a vast tract of upland, is called steppe. In this region, animal herders is a decide and who provide to better livelihood than to the agriculture. That's important. And in the East River, tigress and tributaries, a flow which provide routes of communication into the mountain region of Iran. It's the most important geographical site of Iraq here. That's an important question. आगे जो हमारे समक्ष आया है लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत, कक्षा जो है 11वीं का जो है हिस्ट्री का CBSE एंड जो है NCERT के अंतर्गत क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताओं को दर्शन के लिए कुछ तथ्य दीजिए कि इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताएं जो हैं आखिर किन कारणों से है। देखा जाए तो इराक में भौगोलिक विविधता विद्यमान थी और इसका समर्थन करने वाले कुछ तर्क जो यहाँ पर दिए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहले तर्क की हम बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है काफ़ी हरा भरा है और यह साफ जलधाराओं वाले पर्वत श्रृंखलाओं भी ढका हुआ है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हरा भरा है और साथ में साफ जलधाराओं वाली पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ ये पार्ट है। कहते क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है जो फसल उगाने के लिए पर्याप्त होता है, यानी इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है, जिसके कारण सारे फसल जो है उगाना यहाँ पर बहुत ही आसान बना देता है। तो ये जो है भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर इराक की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इराक को बनाता है। उत्तरी क्षेत्र में जो है ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है, उत्तरी क्षेत्र में ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे
स्टॉपी भी कहा जाता है, यानी स्टॉपी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इस क्षेत्र में पशुपालक निवास करते हैं, यानी पशुपालक जो है इन क्षेत्रों में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे हम स्टॉपी कहा जाता है और इन क्षेत्रों में पशुपालक निवास करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में टाइग्रिस नदी और इसकी सहायक नदी बहती है जो ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में संचार के मार्ग प्रदान कर, देखिए नदी से जो होता है संचार के मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि पहले के समय में जो है हमारे पास जो है एयर मार्ग नहीं थी, यानी वायु मार्ग नहीं था, तो जो है हम जल मार्ग का ही उपयोग करते थे और जल मार्ग संचार के जो है मार्ग के रूप में प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसे इराक में देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये बात आपको समझ में लगा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हम इराक में मौजूदा भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने बात किया तो इसके 4-5 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो अधिक करने की ज़रूरत नहीं है, कहते उतना ही समझ रखिए जितना ज़रूरी है। और ये बात समझ में आई अच्छी लगी, अगर आप देसी त्रिपाण सेंटर की मदद करना चाहते हो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे थे, अगर आगे के वीडियो भी देखना चाहते हो तो जरना सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए नहीं, और जो रेड आपको सब्सक्राइब दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबाइए, तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा, और नहीं कीजिएगा तो ये आपकी अपनी सोच है तो नोटिफिकेशन भी आपको साथ प्राप्त ना हो पाए और बाद में आप त्रिपाण सेंटर को ढूंढते रह जाओ वो मिलेगा भी नहीं। तो जरना सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही भला है, क्योंकि समझ जो चीज़ आती है उसको जो है अपने मोबाइल में सेव करने में ही समझदारी है, तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपाण सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके जो अपने मोबाइल में सेव कीजिए।